हमारे साथ जो है सेबेस्टियन जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर अंदर क्या हुआ? हाँ, सबसे पहले तो वली जी आपको और संघर्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने दूर से, आप तो डिगलीपुर से आए हैं कवर करने के लिए, यहाँ पहुँचे। लंबा रास्ता है और सड़क भी उतना अच्छा नहीं है अभी हमारा अंडमान निकोबार में, लेकिन आप लोग ये जो लोगों का, गरीब लोगों का दर्द को आइलैंड और मेलाइन तक पहुँचाने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए हम आप लोग का शुक्रगुजार हैं। और हम लोग का क्या बात हुआ, हमारे साथ में हमारा रांची स्टेशन का जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट प्रकाश मिंज है, और मैं चाहूँगा पहले वो आपसे मीडिया से मुखातिब हो जाए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। प्रकाश जी, प्रकाश जी बताइए क्या हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि काफ़ी दूर से आप लोग हमारे लोगों का दर्द समझ के यहाँ पे आए। जो बर्बरता हुई और जो अमानवीय घटना हमारे लोगों के साथ हुई कि हमारे काला पहाड़ के 27 किलोमीटर में हमारे 5 या 6 परिवारों का जो सुपारी पेड़, फलता फूलता सुपारी पेड़ को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ बाबू लोग जा करके वहाँ काट दिए। काटने के वजह से क्या हुआ कि आज उनका परिवार रोड में आ गया है, क्योंकि वही उसका जीने का आसरा था। जो केला पेड़ है, केला पेड़ आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग सब केला पेड़ गाड़ के उससे जो है तरकारी केला या फिर लोकल केला या फिर राजा केला, ये सब केला बिक्री करके ही हमारा रोजी रोटी चलता था। उससे भी बड़ा बात, वो जो सुपारी पेड़ जो गाड़ा है जिससे हमारा रोजी रोटी का मेन साधन था, उसको भी काट दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि वो परिवार अभी 30 साल पीछे आ गया। तो जो बाबू जो घटना किया है, इसके बारे में ना PCCF को जानकारी था, ना हमारे DFO साहब को जानकारी था। लेकिन उनका बोलने का मतलब है कि जो बाबू है उनको ड्यूटी ऑलरेडी दिया जाता है, बीट ऑफिसर के नाते वो एक्शन ले सकता है, लेकिन फ्रेश जगह में करने से। लेकिन ये तो पुराना जगह में है, फ्रेश जगह में करने से एक्शन लेना समझ में आता है। लेकिन जो हिसाब से हमारे लोगों ने बताया कि जो सुपारी पेड़ है 8 साल 10 साल हो गया बड़ा हुआ, फ्रेश जगह और 10 साल में फर्क होता ही नहीं होता। 10 साल में जो सुपारी बगीचा बढ़ता है और नया जो सुपारी बगीचा होता है, वो दोनों में फर्क है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस को लगा है यथास्थिति रहने के लिए, कि जो लोग जितना इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं जो जमीन में और जहां में अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, बगीचा जीविका उपार्जन कर रहे हैं, प्लस घर जो बना के रह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को है कि जैसा है वैसे ही रहने दिया जाए। फर्दर जो सुप्रीम कोर्ट का जब आएगा तब क्या होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन लेगी। लेकिन अभी जो कार्रवाई चल रहा है सुप्रीम कोर्ट से, बहुत जल्द इनके पक्ष में निर्णय आने वाला है, वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि हम जो कॉपरेट करेंगे कि हमारे लोग नया जगह में इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, तो आप भी जो फलता फूलता हुआ पेड़ है उसको मत काटिए। यही हम लोगों ने DFO साहब से बात किया और DFO साहब ने भी ऐसा आश्वासन दिया है। हम चाहते हैं कि हम लोग DC साहब से भी जाकर बात करें, क्योंकि नॉर्थ मिडिल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है DC साहब है, उनसे भी हम लोग अपना दुख बताएंगे। जो घटना हुआ है, हम नहीं चाहते कि आज 4 लोगों के साथ हुआ, कल 40 लोगों के साथ होगा, कल को 400 लोगों के साथ होगा, फिर बाद में 4,000 लोगों के साथ होगा, क्योंकि ऑस्टिन 2 से लेके पैलून तक, श्रीनगर तक, बर्मा चाड़ तक, बीच डेरा तक, लगभग यहाँ पे जो भी हमारे फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं इनका लगभग 70 से 80 साल हो चुका है। अगर हम लोग फॉरेस्ट एक्ट में जाएंगे तो इसका तीसरा जनरेशन आ रहा है, और बहुत जल्दी इसका तीसरा जनरेशन के हिसाब से इनको जगह मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट बोला है, और ये जो है फॉरेस्ट एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगा। जैसा आपने कहा सर, जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर क्या बातचीत हुई? देखिए, जो नुकसान हुआ है वो तो बहुत भारी नुकसान हुआ है, लेकिन आप साहब का कहना है कि जो बीत गई सो बात गई, ये क्या संभव है? जो बीत गई सो बात गई, साहब बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो, अभी कोई नया साहब आएगा फिर कोई काटेगा, बोले फिर बीत गया सो बात गई। तो मैं समझता हूँ कि इतने साल तक जो एक्शन नहीं हुआ, तो जो साहब लोग थे एक्शन नहीं लिए, वो इसीलिए नहीं लिए कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक जजमेंट नहीं आता तब तक कोई एक्शन नहीं लेना है, ये सुप्रीम कोर्ट साफ साफ शब्दों में कहा। दूसरा बात है, साहब बोले हैं कि कॉपरेट करेंगे, अब देखना यह है कि कब तक कॉपरेट करेंगे। 2 दिन पहले तक तो कॉपरेट नहीं किए थे, लेकिन आज आश्वासन दिया है। लोग हमारे थे, सब सुने, हर एक बस्ती के लोग थे, सभी ने सुना है, आश्वासन दिया है कि आप अपना तरफ से सपोर्ट कीजिए, यानी कि नया इंक्रोचमेंट मत कीजिए। हम जो पुराना इंक्रोचमेंट है, हम आश्वासन देते हैं कि हम लोग नहीं काटेंगे, ऐसा साहब का आश्वासन था। हमारे पब्लिक और उनके जो ऑफिसर्स थे, SDF मैडम और रेंजर मैडम के समक्ष ऐसा आश्वासन हमारे DFO साहब ने दिया।
हैं।